या तो फिर तुम सरेंडर कर दो या तो फिर तुम्हारा हम नामो निशान मिटा के रख देंगे। 13 दिसंबर 1971 को ये शब्द कहे थे फील्ड मार्शल मानिकशॉ जी ने, और 3 दिन के बाद यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल आमिर अब्दुल खान ने 93,000 सैनिकों के साथ समर्पण कर दिया था बिना किसी शर्त के, और इतिहास में दर्ज हो गया किसी देश की इतनी बड़ी हार। पहली दफा देखा जाए तो इतिहास के अंदर 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, और ये भारत के वीरों ने करके दिखाया था, और एक नया देश का निर्माण हुआ था जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 9 महीने के कॉन्फ्लिक्ट में इन हरामियों ने 3 मिलियन बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था। 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के अंदर पलायन कर गए थे, और इन हरामियों ने महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा जुर्म किया था, बर्बरता की थी, महिलाओं के साथ रेप किया था। इन हरामियों को इनकी औकात दिखाई थी, हमारे वीरों ने दिखा था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, दिखा दिया था कि भारतीय वीरों ने। आज हमें इस विजय दिवस पे उन सभी वीरों को याद करना चाहिए, आज उन सभी को याद करने का मौका देता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने उस दिन 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था सिर्फ इन सभी वीरों के कारण। विजय दिवस पे आज हमें अपने वीरों को याद करना चाहिए, आज हमें बच्चों को बताना चाहिए कि ये कारनामा करके दिखाया था। उस समय पाकिस्तान अपने बाप के पास चला गया था, अमेरिका के पास, लेकिन भारत डरा नहीं, भारत रुका नहीं, भारत ने करके दिखाया। वीरों के इतने पावरफुल हौसले थे हमारे कि अमेरिका तक डर गया था, और ये सिर्फ कोई और नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत कर सकता है, और भारत ने 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। आज विजय दिवस पे सभी वीरों को याद करते हैं हम, और उन सभी को हमारी तरफ से सलाम है। जय हिंद।